अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 32 से पार्षद आरिफ खान पर जानलेवा हमला हुआ है, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। आरिफ ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उन पर यह हमला हुआ है, जिसकी शिकायत रामगंज थाने में दर्ज कराई गई है। ट्रेन के घर से बाहर निकला था जी, 12 या 1 के बीच में सरली गिरते ही वो सरिया वो होते हैं मोटे, इससे आप बेस पे सरिया इनसे के सर पे वार कर दिया जी। कौन लोग थे ये सर? एक तो ये बाहर के थे स्कोटर, इसमें फारूक इलियास ने बुलाए थे हमें सर, पंचायत से बोलिए बाहर के थे स्कोटर, ये इंडोन साइड के थे सर। कोई पुरानी कोई रंजित नहीं? पुरानी तो रंजिश क्या सर, इसका जो भाड़ा है ना सर वो जी क्वार्टर के पीछे 800-900 गज का सर, वो एडी का सर, सरकारी जमीन कब्जे करता सर जी। हालांकि इसका एक कोई मसला नहीं, इस रोड से कोई मसला नहीं इस बात से, लेकिन ये क्या है कि इल्जाम लगाता हर चीज़ का जी। तो कितने लोगों ने आपके साथ सर इसके खिलाफ मैंने FIR भी कराई थी सर, 4-5 दिन मेरे को कहा था कि वो बचेगा नहीं जी। 3-4 दिन पहले दोनों मैंने धमकी दी थी, कंचानगर से मैं आ रहा थे, फिर उन्होंने 12-1 बजे उन्होंने शूटिंग साइट करी और 3-4 दिन से कम फॉलोअप कर रहे हैं। कितने जने थे लगभग ये? 4 जने थे। नाम?